बिस्मिल्लाह अस्सलाम। तो जी पर कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सब मुस्कुराते रहें, और जो मेरे बहन भाई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के लोग का आगाज़ करते हैं। तो जी पर अभी जाना है फाइनली, अभी हम स्कूल से आए क्योंकि आपको पता है आज फ्राइडे था ना, तो एक तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, तो बाकी जो है ना माशाल्लाह अभी स्कूल से आए हैं तो फाइनली जो है ना हमने आके तैयारी की क्योंकि आज आज ही हमारी नाना लोगों का मिलाद, तो हम जाना उधर जा रहे हैं। तो फाइनली अभी मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और आप ही जान जाना वो अबू जान के कपड़े वो प्रेस कर रही हैं, तो बाकी जाना मैंने तो अपनी तैयारी कर ली, बस अभी गाउन ही डालना है और बाकी जो है ना कलसूम उसे मैंने बोला अभी वो जो है ना तैयारी कर ली, क्योंकि सरकारी स्कूल वालों को जो है ना हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है ना, तो आज जुम्मा है तो सुबह भी छुट्टी है और परसों भी, तो उसे अबू जान का भी उधर ही छोड़ेंगे क्योंकि नानो जान की थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो अम्मी लोग भी उधर ही गए हैं, तो मामू लोगों ने जो है ना आज मिलाद करवाया, जुमा है तो आज जो है ना हम मिलाद पे जा रहे हैं, इसलिए तो मैं तैयार हुई हूँ। तो बाकी जो है ना ये वो वाले कपड़े हैं जो मेरी फूफो जान ने हमें लेके दिए थे शादी पे, लेकिन तब हमने जो है ना सिलाई नहीं करवाए थे क्योंकि ये रेशमी कपड़े थे ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए अभी अभी मैंने सिलाई करवाया क्योंकि सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी में जो है ना ये कपड़ा अच्छा रहता है, गर्मी में तो वैसे भी जब बंदर डालते हैं ना तो पसीना बहुत ज़्यादा उतरता है और दूसरा जो है ना ये लगती रहती है। तो बाकी जो है ना ये मेरे अपनी हमसाई से सिलाई करवाए हैं, वैसे मुझे जो है ना ऐसे कपड़े डालने का शौक़ काफ़ी ज़्यादा था, फिर जो है ना फूफो जान ने लेके भी ऐसे ही दिए थे, पहली बार मैंने जो है ना जो पूरे कपड़े थे ऐसे औरतों को होते हैं तो जो है ना मैंने अपनी सिलवाए हैं, मेरी बहन के भी ऐसे हैं लेकिन बस कलर डिफरेंट है, बाकी जो है ना डिज़ाइन वो एक ही है, उसने फ्राक सिलाई करवाया हुआ है और मैंने जो है ना जी पर चेक कर सकते हैं यहाँ पे जनाबी मिलाद वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम कब के आए हैं लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा है ना, इसलिए मैं तब लोग स्टार्ट नहीं कर सकती, मशाल चेक करें जी कितनी परेशानी थी मम्मी उनकी तबीयत अभी। तो जी पे चेक कर सकते हैं अभी जो है ना फाइनली हमारा मिलाद स्टार्ट हो चुका है, हम जो है ना कब के आए हुए हैं लेकिन अभी जो है ना हम मैंने स्टार्टअप किया क्योंकि औरतें काफ़ी जाती थी ना, इसलिए बातचीत जो है ना अभी पढ़ रही है। अब्दुल्ला जो है ना यहाँ पे कितना खुश हुआ बैठे अब्दुल्ला माशाल्लाह अभी जो है ना फाइनली, वैसे भी लोग बुलाने का दिल नहीं करा क्योंकि नाना जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ना, वैसे काफ़ी ज़्यादा औरतें आई तो मैंने कहा फिर भी जो है ना जो महफिल हो रही है तो आपको भी ज़रूर सुनाया जाए, तो आवाज़ जो है ना वो अंदर आपको सुनाई देगी जब आप लोग व्लॉग देखेंगे, और ये व्लॉग जो है ना देखना ज़रूर है काफ़ी मज़े का है, चेक कर सकते हैं सब औरतें बैठी हुई हैं और बाजी जान जो है ना वो मिलाद पढ़ रही है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़ रही है, बातें भी काफ़ी अच्छी अच्छी कर रही है, मैं भी अभी जो है ना नमाज़ पढ़ के आई हूँ और फ़ौरन जो है ना अब्दुल्ला को आके उठाया, अब्दुल्ला इधर करना चेक करें इसके नेल चेक करें, इधर करो ना, काट नहीं सकते अपने नेल नहीं काट सकते, बंदा समझे हमारी मदद सच्ची उड़ा दे।
अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी जो प्यारे व्यूअर, आज जो है ना ईमान गई हुई थी मिलाद पर, महफिल मिलाद नाना अब लोगों की थी, वहाँ से वो होके आ गई और अभी जो है ना बतखें देखें वो जो है ना अपना इंजॉय कर रही हैं। और कहूँ हालात कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं और अभी चेक करते हैं माशाल्लाह से। जी हमारी जो है ना सबसे ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होती है जब इसके एक आधी शाख जब मैं निकले हुए देखता हूँ तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये पानी मैं जो है ना परमानेंट अभी डाल रहा हूँ, दूसरे तीसरे दिन जो है ना रोजाना डालता हूँ। अभी जो है ना कुछ बची हुई है क्योंकि इसके ऊपर ना ये आया हुआ है ना, इस वजह से अभी माशाल्लाह से नीचे से उसने ना बुअर के पौधे ने काफ़ी ज़्यादा पत्थर निकाल दिए हैं और आम भी हमारा माशाल्लाह से बढ़ रहा है। चेक करें जी। और ये जो है ना अभी पिलकन का पौधा जो है ना वो अपनी शाखें दोबारा निकाल रहा है। चेक करें। और इस साइड पर जो है ना जानवर वो भी जो है ना चारा एक दफ़ा खाकर बैठे हुए हैं, अभी जो है ना दूसरी दफ़ा इनको चारा डालते हैं ताकि वो खा लें। और अब परेशानी ये बनी हुई है जी तो प्यारे व्यूअर, परेशानी इस बात की है कि अभी जो है ना चारा दो टाइम का तो था लेकिन तीसरे टाइम का चारा नहीं है। अभी इसका क्या करना है ये हाल सोच रहे हैं क्योंकि चारा हमारे पास जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। सुबह तो कहीं ना कहीं से मिल जाता लेकिन सुबह फर्स्ट टाइम क्या डालना है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है जी तो प्यारे व्यूअर। अभी माशाल्लाह से शाम का टाइम हो चुका है, अभी मैंने कहा कि जो है ना इनको जानवरों को जो है ना पानी पिला देते हैं। अभी वो जो है ना तीन उनको पानी पिलाना है, पहले मैंने कहा कि इसको पिला देते हैं, अभी जो है ना इसको पानी पिला रहा हूँ जी। तो पहले बार अभी जो है ना माशाल्लाह से शाम का टाइम हो चुका और मैंने कहा कि जो है ना जानवरों को पानी पिला दें क्योंकि दूसरी दफ़ा चारा डालना है। तो अभी माशाल्लाह से भैंस के आगे जो है ना मैंने नहर के किनारे खड़ा हूँ, अभी यहाँ से जो है ना पानी भर के भैंस के आगे रखा है ताकि वो जो है ना पी ले। अभी ये जो है ना पानी पी रही है और अभी जो है ना चलते हैं दूसरे जानवरों के पास और उनको भी पानी पिलाते हैं। इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल हो चुका है ख़त्म, न्यू भर के उसके आगे जो है ना बाल्टी पानी की रखते हैं। चेक करें माशाल्लाह से। और अभी जो है ना किधर से भरनी है थोड़ा सा ख्याल से भी क्योंकि कहीं मोबाइल जो है ना नाइट के अंदर भी ना चला जाए। बाकी दूसरी भैंसें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, उन्होंने भी अपना चारा वगैरह खा लिया है, चारा खा कर फारिग बैठे हुए हैं, उनको भी पानी पिलाते हैं अभी जी। तो प्यारे बार अभी जो है ना माशाल्लाह से एक भैंस को पानी पिला लिया था, अब जो है ना दूसरी भैंस को पानी पिलाने लगा हूँ, वो भी जो है ना पी रही है। उसके बाद गाय को जो है ना वो वहाँ से छोड़कर इसको जो है ना पानी पिला लेंगे जी। तो पहले बार अभी जो है ना माशाल्लाह से दोनों भैंसों को जो है ना पानी पिला लिया, अभी जो है ना गाय के पिलाने का टाइम है। और देखें जी मेरे पड़ोसी जो है ना वो खड़े हुए हैं, उठाए कि मेरे ख्याल में भैंस को जो है ना थोड़ा सा और पानी चाहिए और मैंने कहा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लें। और मेरे पड़ोसियों के जो है ना बच्चे वो माशाल्लाह से उन्होंने कहा कि भाई हम एक बाल्टी पानी की भर के दे देते हैं। ये पतासा कहाँ से लिया है? ये किसकी मेटी थी? मेटी थी या निकाह की रिसम थी? मेटी। तो जी अरे विवार जो है ना जिसे माइयों में कहते हैं, माइयों की रिसम थी। तो अभी जो है ना माशाल्लाह से इनके चाचा इनके कज़न हैं उनकी माइयों थी, तो वो जो है ना अभी वहाँ से लेकर आए हैं इनके अबू जान, तो उन्होंने इनको दिया पतासा के खा लें। इस माइयों पर ज़्यादा जो है ना गाँव में ये पतासे तकसीम किए जाते हैं। चलो पानी भर के लें उनके सामने आगे रखें।